नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाइस कॉइल के विषय में कुछ बात करने वाले हैं। ये 450 का मार्केट अवेलेबल बेस्ट हाइस कॉइल है। ब्रांडेड तो नहीं है बट फर्स्ट कॉपी है और काफ़ी अच्छा हाइस कॉइल है। बट ये हाइस कॉइल के विषय में आज हम आपको बतलाएँगे कि ये हाइस कॉइल जल क्यों जाता है और ये हाइस कॉइल ओपन क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, जलने के विषय में जहाँ तक हम बात करेंगे तो जलने का तो कोई इलाज नहीं है। आपका ओवरलोड होगा या आपका किट में प्रॉब्लम होगा तो जल सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हाइस कॉइल जो है वो जला हुआ नहीं रहता है लेकिन कट जाता है, ओपन हो जाता है। तो ओपन हो जाता है तो फिर आपको समझ में नहीं आता है, जला भी नहीं है और ये ओपन हो गया तो इसको कैसे क्या किया जाए। तो आज उसी के विषय में हम बात करेंगे कि एक हाइस कॉइल जो है जल्दी आपका ओपन नहीं होगा, सालों साल चलेगा, जल सकता है बट कभी भी कॉइल ओपन नहीं होगा। तो ये देखिए, ये कंपनी का जो हाइस कॉइल है फर्स्ट कॉपी है, इसमें जहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ पार्ट है उसमें आपको रस्टी लग रहा है। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि ये कंपनियाँ जब बनाती हैं, विदेशी कंपनी है, वहाँ से आने में साल, दो साल, तीन साल भी लग जाता है और जो सोल्डिंग का पेस्ट होता है वो कॉपर को खा जाता है, जिसकी वजह से कॉपर जड़ के पास कमज़ोर हो जाता है और जब आप बजाते हैं इसको तो वहाँ से वो ओपन हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि कॉइल जला हुआ नहीं होता है। तो हमें इसमें सिर्फ दो काम करने हैं। सबसे पहले जो कंपनी सोल्डर की है उसको वापस हमें रीसोल्ड करना है। रीसोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे पतले नोक वाले आयरन का उपयोग करें जो मोबाइल वाले यूज़ करते हैं। आजकल एसी से भी चलने वाले पतले आयरन डायरेक्ट चलने वाले मिलने लगे हैं तो वही हम लेके आए हैं। आप उससे इसको रिसोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, हमने वापस से इसको अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। अब सोल्डिंग करने के बाद क्या है कि आपको इसमें एक और छोटा सा काम करना है। आपको फेविक्विक लेना है और उसको किसी भी चीज़ में एक बूंद टपका देना है और फिर एक सुई की नोक से उस फेविक्विक को जहाँ आपने सोल्डिंग किया है उससे उसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, डायरेक्ट फेविक्विक आपको पॉइंट पे नहीं लगाना है वरना ज़्यादा गिर जाएगा और कॉइल मोटा हो जाएगा, फिर तकलीफ दे देगा। सिर्फ आपको कुछ मात्रा में, सुई की नोक की मात्रा में बराबर आपको वहाँ पे पेस्टिंग करना है। ये देखिए, ये जो कॉइल है इसमें रस्ट काफ़ी ज़्यादा पकड़ा हुआ है तो इसको हम सुई की सहायता से पहले रस्ट को साफ़ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं वहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो उसको हम पहले साफ़ कर देंगे और वापस इसको जो है सो हम रिसोल्ड करेंगे। रिसोल्ड करने के बाद फिर उसको भी हम फेविक्विक लगाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हम जब 10 पीस 20 पीस स्टॉक मंगाते हैं तो उसमें से दो पीस ओपन भी निकल आता है। तो जो टेक्नीशियंस है वो इसको पहले से ही, आप इसको रिसोल्ड करके और फेविक्विक डाल दीजिए तो आपका ये कॉइल जो है ओपन नहीं होगा। और चूंकि फेविक्विक डालने के बाद उसके ऊपर एक लेयर फेविक्विक का बन जाता है तो सोल्डर उखड़ेगा भी नहीं और सालों साल आपका चलेगा। हम जितना भी हाइस कॉइल 750 450 का मंगाते हैं तो ऑलरेडी हम पहले से ही दुकान में ये करके उसके बाद बेचते हैं। इतना छोटा सा दो काम कर देने की वजह से मार्केट में मेरा नाम है कि अगर रवि भाई से आप कॉइल लेते हो तो औरों की अपेक्षा ज़्यादा लंबा चलता है, जल्दी ओपन नहीं होता है। वही सेम कॉइल दूसरी दुकान से आप लोगे तो जल्दी कट जाता है। तो बस दोस्तों, आपको छोटी सी काम करना है, यहाँ पर आपको रिसोल्ड करना है उसको जो सोल्डिंग किया हुआ है वो, और फिर उसमें आपको फेविक्विक डाल देना है। तो दोस्तों, ये छोटा सा काम करके आप अपने हाइस का लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी ट्रिक का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में एक या दो ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं और अगर आपको कुछ पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको जवाब देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।